जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, SSB इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेज एग्जामिनेशन एंड वी नो द एस्पिरेंट्स हु आर विलिंग टू बिकम ऑफिसर इंडियन आर्म फोर्सेज दे कमिट अ रिपीटेड मिस्टेक एंड द मिस्टेक इज डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ SSB इंटरव्यू। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब तक SSB का कॉल लेटर नहीं आ जाता या फिर जब तक उनके रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। जिस एग्जामिनेशन को आप एक दिन में देते हो उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप पूरे 6 महीने करते हो, और जिस SSB इंटरव्यू को आपको 5 दिन तक फेस करना है उस इंटरव्यू की तैयारी आप चाहते हो कि 15 डेज में हो जाए, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये 4 टिप्स आपको दे रहा हूँ और लास्ट में एक और एक्स्ट्रा टिप दूंगा, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ SSB एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, बिना प्रिपरेशन के नथिंग इज पॉसिबल, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना ही पड़ेगा और उतना जल्दी जितना जल्दी आप कर सकते हैं। आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके फैक्ट्स और डेट्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। आप चाहते हो कि मैं फैक्ट को रट लूं या फिर डेट्स को रट लूं, इस रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपके थॉट्स में डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है इसकी समझ आपको होना चाहिए। अगर ये समझ आपकी अच्छी बन रही है तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट स्टेप जरूर क्लियर होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज ही से, डे 1 से स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सबसे बड़ी बात है, एंड अनफॉर्चुनेटली द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, देयर सम ऑफ द टेस्ट आर ओनली कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास नॉलेज है फिर भी हम उसको डिलीवर ना कर पाएं, फिर भी हम उसको एक्सप्रेस ना कर पाएं। तो आज ही से आप क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही रीडिंग न्यूज़पेपर एंड वॉचिंग न्यूज विल ऑल्सो यू हेल्प। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाउ यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। थर्ड चीज है कि आपको अपने फिजिकल फिटनेस पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली देखा जाता है एक बच्चा पढ़ाई में इतना घुस जाता है, इतना मर्ज हो जाता है पढ़ाई में कि वो अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं रखता। आपको थोड़ा सिंपल रनिंग, जॉगिंग, पुशअप्स, ये सारी चीजें करके आप अपने आप को फिट रख सकते हो। आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हैं उस सर्विस का नॉलेज भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। जनरली कई बार तो ऐसा होता है, बंदे ने किस एंट्री के लिए अप्लाई किया है उसको ये तक पता नहीं होता है। आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हो उस सर्विस का ओवरऑल नॉलेज आपको होना चाहिए। आप चाहे आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, जो भी आप ऑप्ट कर रहे हो उसके बारे में आपको ठीक से नॉलेज होना चाहिए। ये चारों मेरी बातें मेन हो गई है। सबसे पहले आपको SSB की प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट करना है, आपको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करना है, आपको अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना है, और साथ ही साथ आपको जो है आपके जनरल अवेयरनेस, आपके सर्विस अवेयरनेस को प्रिपेयर करना है। और उसके बाद में लास्ट चीज जो है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप सोचे कि आप अपनी लाइफ कैजुअली जीते रहें और वहां जब आप SSB इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आप एकदम से टिप टॉप बनकर चले जाएंगे एंड पीपल विल अप्रिशिएट यू, शायद ऐसा पॉसिबल ना हो। तो अभी से अपने आप को ऑफिसर मान करके तैयारी कीजिए, अभी से थोड़ा अच्छा आपका सारी चीज़ एटीट्यूड बनाइए, डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए जिनको इसकी आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।